फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारा फोन पे जो क्रोम के ब्राउज़र से ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि फोन पे आपको रिवार्ड दे रहा है, कि फोन पे आपको ऑफर कर रहा है अपना बैंक पर ट्रांसफर करो, ऐसा ही जो फ्रॉड का नोटिफिकेशन आता है उसे हम कैसे रोकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या करना है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाला है। इसी विषय का ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारा वीडियो को स्किप कर दोगे तो ये जान नहीं पाओगे कि कैसे उसे नोटिफिकेशन को रोके। तो फ्रेंड्स, स्किप कर बिना ही वीडियो आप देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ हमारा फ़ोन का जो क्रोम का ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। तो मेरा फ़ोन का जो क्रोम का ब्राउज़र है उसे ओपन करता हूँ। फिर दोस्तों, ये देखिए ऐसा नोटिफिकेशन आता है, या इस नोटिफिकेशन पर आप टैप करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये दिखेगा दोस्तों, ऐसा ही कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो इसे हम कैसे रुकेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ हमारा फ़ोन का जो क्रोम ब्राउज़र पे ओपन होने के बाद जो 3 डॉट दिखता है उस पर क्लिक करके हमें हमारा फ़ोन का हिस्ट्री पर जाना है, जो सर्च हिस्ट्री है इस पर जाना है। तो इस पर हमें क्लिक करूँगा। फिर जो हमारा जो सर्च हिस्ट्री है जो भी है उसे हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के लिए जो क्लियर ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन है उसे अगर मैं टैप कर दूंगा तो हमारा जो पिछले ब्राउजिंग का जो डाटा था वो डिलीट हो जाएगा। अगर वो डिलीट हो जाए तो आपका जो ये समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारा जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।